गुवाहाटी में ईद मिलाद उन नबी जश्न को लेकर लगे बड़े बड़े पॉलिटिकल बैनर, अब सवाल ये है कि उतारेगा कौन। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। जिस तरीके से गोवंडी के इलाके में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग रहते हैं, उसको देखते हुए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने अपने इश्तिहार और बड़े बड़े बैनर लगाने में व्यस्त थी। देखा यह गया है कि किसी बैनर के ऊपर कहीं गणेश भगवान की मूर्ति है और कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से BMC के बिना परमिशन के ये इल्लीगल बैनर, पॉलिटिकल बैनर लगाए जाते हैं, तो पॉलिटिकल लोगों ने अपने प्रचार के लिए जो है बैनर्स तो लगा दिए, लेकिन इस प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद, इस जश्न के बाद, इस बैनर को निकालेगा कौन और ये जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि दोनों ही धर्म में जहाँ गणेश उत्सव की बात की जाए, गणेश बप्पा की बात की जाए, तो वो भी बहुत पवित्र है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों ही नाम बहुत पवित्र है। पॉलिटिकल पार्टी जानती है कि इन दोनों ही त्यौहारों के टाइम पर लोग जो है वो घर से बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से जो इनके बैनर्स है उसके ऊपर नज़र पड़ेगी और पॉलिटिकल पार्टी का जो है प्रचार होगा। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो इतने जो जिसको उर्दू में कह लीजिए पाकिशा नाम कह लीजिए, या फिर आप ये कह लीजिए कि पवित्र जो फोटो है श्री गणेश भगवान की, तो इन दोनों का ही, क्योंकि कल BMC इसको जब उतारेगी और पैरों में रौंदा जाएगा तो जो उसकी जो बेहुरमती होगी और बेइज्जती होगी, इसका जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होगी कि आम लोग इसलिए कि आम लोग जो है इन चीज़ों को देख करके अनदेखा करते हैं, उसी की वजह है कि बिना BMC की परमिशन के ये सारे बैनर लगाए जाते हैं और फिर BMC इसको आकर उतारती है और उतारने के बाद ये किसी कचरे की कुंडी में या फिर किसी नाले में पड़े हुए नज़र आते हैं। मेरी प्रशासन से मांग है कि ये सारे ही बैनर जो धार्मिक बैनर है इसको निकाल करके जो है सही तरीके से या तो कहीं पे रखवा दिया जाए किसी ऐसे जगह पे जहां पर ऐसी सारी जो चीज़ें हैं महफूज की जाती है, या फिर इसका सही उपाय निकाले। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़, गोवंडी।